हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टू टू लर्न पर। आज हम लोग क्लास 7 का मैथमेटिक्स चैप्टर स्वयं करो 5.3 पेज नंबर 72 का करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। नीचे की संख्याओं को मौलिक संख्या के सूचक के कान में लिखो। तो हम लोग कैसे लिखेंगे देखिए, ये 24 है ना आपका, वन नंबर क्वेश्चन 24। ठीक है, तो इसको मौलिक, क्या बोला, मौलिक संख्या के सूचक के रूप में लिखे। तो हम ये इसको कैसे करेंगे, उत्पादक। ठीक है, मौलिक उत्पादक है, मौलिक उत्पादक ये मौलिक संख्या के सूचक का कार में बोला गया ना, तो इसको हम लोग उत्पादक नहीं होता, ये होता है गुणनखंड करते हैं, इसका खंड करेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो उत्पादक विश्लेषण करना है। ठीक है, तो इसको देखिए तोड़ेंगे, मतलब टू से इसको ले जाइए, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, फिर टू से ले जाएंगे, टू सिक्स जा टू है, फिर टू से ले जाएंगे, टू थ्री जा, ठीक है हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए 24 इक्वल टू क्या लिखेंगे, टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ठीक है, सूचक में बोला गया है ना, तो देखिए इसको ऐसे करेंगे, टू कितने बार है, थ्री बार है, तो टू का पावर थ्री हो गया। ठीक है, इंटू थ्री कितनी बार है, थ्री एक ही बार है, तो यहाँ थ्री का पावर वन हो जाएगा। तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, टू का पावर थ्री, टू इंटू टू 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 पावर थ्री, और वन का पावर क्या है, थ्री का पावर क्या है, वन है, टू का पावर थ्री है और वन, थ्री का पावर वन है। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर है। ठीक है, अब बोला गया है 56 को भी गुणनखंड करेंगे, तो करिए, टू से ले गया, टू टू जा फोर, यहाँ वन बचा, टू एट जा सिक्सटीन, फिर टू से ले गया, टू वन जा टू, टू फोर जा, फिर टू से ले जाएंगे, टू सेवन जा, ठीक है अब तो नहीं जाएगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 56 इक्वल टू टू इंटू टू इंटू टू इंटू सेवन। तो टू कितनी बार है आपका, थ्री बार है, तो टू का पावर थ्री इंटू सेवन कितनी बार, वन बार है, तो सेवन का पावर वन, तो टू का पावर कितना, ये घात है, ये ऊपर का पावर होता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं पावर, और ये हिंदी में क्या बोलेंगे, घात। तो ये टू का पावर क्या है, थ्री है, तो यही घात सूचक हो गया, सूचक के कारण बोला गया था ना इसीलिए। अब है 63, थ्री नंबर, इसका गुणनखंड करेंगे, थ्री से ले जाएंगे। ठीक है, टू से तो नहीं जाएगा, थ्री टू जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री, फिर थ्री से ले जाएंगे, थ्री सेवन जा, अब तो नहीं जाएगा, तो यहाँ 63 इक्वल टू क्या लिखेंगे, थ्री इंटू थ्री इंटू सेवन, थ्री का पावर क्या है आपका, थ्री कितनी बार है, दो बार है, तो थ्री का पावर टू, और इंटू सेवन का पावर वन। ठीक है, ये आंसर है यही, ठीक है यही सब आंसर हम लोगों का है। फिर क्या है आपका 72, 72 करेंगे। अब 72 को ये कीजिए, गुणनखंड कीजिए, टू थ्री जा सिक्स, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू वन जा टू, टू एट जा सिक्सटीन, टू नाइन जा थ्री, थ्री जा, ठीक है, तो 72 इक्वल टू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री। तो टू कितनी बार है आपका, थ्री बार है, टू का पावर थ्री, और थ्री कितनी बार है, टू बार है, तो थ्री का पावर टू, तो ये टू थ्री दबा पर थ्री, और थ्री टू बाबा थ्री, थ्री टू दबा पर टू। ठीक है, यही आंसर है हम लोगों का, ये पावर है मतलब घात है, घात। ठीक है, फिर हम लोग 200 का करेंगे, 200 को तोड़िए, 200 एक बार में दो, टू वन जा टू, जीरो जीरो, फिर टू से ले जाएंगे, 50 बार में जाएगा, फिर टू से ले जाएंगे, 25 बार में क्या, अब किससे जाएगा, पाँच से, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 200 इक्वल टू टू इंटू टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू फाइव। तो टू कितनी बार है, थ्री बार है, टू का पावर थ्री, और फाइव कितनी बार है, टू बार है, फाइव का पावर टू, यही हम लोगों का आंसर है। ठीक है, अब देखिए ये कैसे बनेगा, बोला गया है फाइव नंबर, सूचक के आकार में प्रकाशित संख्या को छोटे और बड़े के रूप में लिखें। तो यहाँ देखिए वन नंबर क्या है आपका, टू का पावर थ्री है, और वह थ्री का पावर टू है। ठीक है, कि बीच एक छोटा और एवं बड़ा कौन है, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए छोटा बड़ा बोला गया है ना, ग्रेटर देन लेस देन, तो यहाँ टू का पावर थ्री है मतलब दो तीन बार है, एक दो तीन बार लिख दिया, कितना हो गया, देखिए टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट आया, और थ्री दो बार है मतलब थ्री का पावर टू है, तो मतलब थ्री दो बार है। ठीक है, थ्री इंटू थ्री कितना होता है, नाइन होता है, तो यहाँ नाइन लिख दिए,
तो कौन बड़ा है आपका? 9 बड़ा है, तो इस साइड 9 बड़ा रखेंगे, ये 9 है और ये 8 है, तो बड़ा कौन है? 9 है, तो जिस साइड बड़ा रहता है ना, मान लीजिए ये बड़ा है तो इस साइड खुला रहेगा एरो, ठीक है, और यदि ये बड़ा होता तो इस साइड एरो ऐसे ऐसे आ रहा होता, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए 3 का पावर 3² ग्रेटर देन, ठीक है, 2 का क्यूब, ठीक है। अब इसको बनाना है 2 नंबर, 4 का पावर 3 है, वह 3 का पावर कितना है? 4 है, में कौन बड़ा एवं छोटा है? तो 4 का क्यूब है, मतलब 4 × 3 बार है 4, ठीक है। तो 4 का 4 3 बार है, तो 4 × 4 कीजिए तो कितना आता है? 16, और 16 का पावर फिर 4 पर कितना आएगा? 64, तो यहाँ पे इक्वल टू कितना आया? 64, ठीक है, 64। और 3 का पावर 4 है, तो 3 4 बार है, मतलब तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, तो यहाँ पे 81 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बड़ा होगा? 81 बड़ा है, ये 64 बड़ा है, 81 बड़ा, तो इस साइड बड़ा है ना, तो ये एरो ऐसे होगा, ठीक है। कैसा एरो होगा? ऐसा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया? 3 to the power 4 और 4 to the power 3 क्या हो गया? 4 का क्यूब। तो क्या होगा, ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा? तो ये बड़ा होगा, तो ये एरो इधर होगा, ठीक है, ये एरो इधर होगा, क्योंकि 64 आ रहा है और 81 आ रहा है, तो 3 का पावर 4 है, तो 81 बड़ा ना है, तो ये इधर एरो खुला रहेगा। खाली घर में ग्रेटर देन या लेस देन बैठा, तो ये एरो इधर बैठा, इसमें से चुन के लिखना था, ठीक है, तो ये एरो चुने, तो ये हुआ। जब ये साइड बड़ा रहेगा तो ऐसा एरो लगाएंगे, ठीक है। 5.4, तो खाली स्थानों में ग्रेटर देन या लेस देन चिन्ह बैठा, तो इस ये देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, मैं कॉपी में करके बता रही हूँ, ठीक है। आपको 5 का क्यू है, फिर बॉक्स बना हुआ है 3 to the power 5, तो यहाँ पे 5 का क्यू है, मतलब क्या, 5 × 5 × 5 करिए, ठीक है, कितना आता है? 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, और 3 का 3 5 बार है, तो 3 5 बार लिखिए, तो कितना हो जाएगा? 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, 81 × 3 = 243, तो कौन बड़ा होगा, ये कि ये? तो ये बड़ा ना होगा, ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो मतलब ऐसा एरो। तो हम लोग कैसे बैठाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये एरो बैठेगा, ठीक है, इस साइड खुला है, मतलब ये बड़ा है, ठीक है, और ये मतलब ये छोटा हो गया। यदि इस साइड खुला रहता एरो ऐसा रहता, तो ये बड़ा रहता, तो ये बड़ा हो जाता, ये छोटा हो जाता, ठीक है। अब 2 नंबर देखिए क्या है आपका, 6 to the power 6² और 2 to the power 6, ठीक है। तो 6 2 बार है, मतलब 6 × 6 कीजिए 36 आया, और 2 6 बार लिखिए, 5 1 6, तो कितना आ जाएगा? 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 8, 8 × 16 = 32, 32 × 2 = 64, तो कौन बड़ा है? इसमें आपका 64 बड़ा है ना, तो 2 का पावर कितना है? 6 है, तो ये वाला एरो होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बैठाएंगे हम लोग, ऐसा एरो, ठीक है, इस साइड ही बड़ा है, तो इस साइड खुला रहेगा। फिर है 3 नंबर क्या है आपका, 2 to the power 4, फिर बॉक्स बना हुआ है 4² तो 2 4 बार लिखिए, 2 × 4 = 8, 8 × 16 = 16, और 4² मतलब 4 × 2 = 16, और देखिए दोनों बराबर आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, दोनों 16 16 आया ना, तो इक्वल टू होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग बुक में, इक्वल टू, ठीक है। फिर अब है 4 नंबर देखिए आपका, 7² 2 to the power 7, ठीक है। तो 7² मतलब 7 × 7 कितना होता है? 49, और 2 7 बार है, 1 2 3 4 5 6 1 7, 2 × 4 = 8, 8 × 16 = 32, 32 × 64, और 64 × 2 कितना होगा आपका? 4 × 2 = 8, 128 आएगा, ठीक है। तो 128 बड़ा है ना 49 से, तो ये वाला एरो इधर होगा, ऐसा एरो होगा, 2 to the power 7 बड़ा है, ठीक है, तो ये वाला एरो ऐसे ही रहेगा। फिर क्या है आपका 5 नंबर, 3 to the power 4, फिर 4 का क्यूब है, तो 3 4 बार लिखिए, 1 2 3 4,
तीन त्रिक नौ, नौ तीय सताइस, सताइस तीय इक्यासी, और चार का क्यूब, तो चार का क्यूब बोला गया, तो चार तीन बार लिखेंगे, एक दो तीन बार लिखे, चार चौक सोलह, सोलह चौक चौसठ, तो कौन बड़ा है, इक्यासी बड़ा है ना आपका, 81 बड़ा है, तो 81 पर क्या 3 का पावर 4 होना चाहिए, तो ये एरो ऐसे होगा, तो हम लोग बुक में कैसे करेंगे, ऐसे, ठीक है, इस साइड खुला रहना चाहिए, ये बड़ा रहेगा तो इस साइड खुला रहेगा, ये छोटा है तो एरो इधर क्या रहेगा, बंद रहेगा, इधर खुला रहेगा, ठीक है। सिक्स नंबर देखिए, 3 to the power 5, फिर 5 का क्यू, ठीक है, तो 3 5 पर लिखिए, एक दो तीन चार पाँच, तो तीन त्रिक नौ, नौ तीय सताईस, सताईस तीय इक्यासी, इक्यासी तीय 243, ठीक है। 5 का क्यू, 5 पचे 25, 25 पचे 125, तो कौन बड़ा है आपका, 125 बड़ा है या 243, 243 बड़ा है ना, तो 3 का पावर 5 जो है वो बड़ा होगा, तो ये एरो हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, यदि इस साइड बड़ा रहेगा तो ऐसा एरो, और इस साइड बड़ा रहेगा तो इस साइड बड़ा रहेगा ना, तो ये वाला एरो इधर रहेगा, मतलब जिस साइड बड़ा रहता है उस साइड का एरो क्या, एरो का मुंह क्या होता है, खुला रहता है, ठीक है। देखिए स्वयं करो, 5.5, यहाँ वन नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 to the power 5 इंटू 2 to the power 7, तो ये इंटू में जब रहेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, पावर को जोड़ देंगे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में 5 plus 7, ठीक है, और 2 कॉमन ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 2 का पावर 12 हो जाएगा, ठीक है, 2 का पावर क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे 5, देखिए जब इंटू रहेगा ना, तो क्या करेंगे हम लोग, दो बार है ना, तो एक बार ले लिए, 2 कॉमन ले लिए, और 5 plus 7 को ऐड कर देंगे इंटू में, ठीक है, और डिवाइड में क्या करते हैं, लेस करते हैं पावर को, तो यहाँ पे 5 और 7 कितना हो जाएगा, दोनों तो दो दो ही है ना, तो 2 एक बार लिख दिए, और 5 और 7 को जोड़ दिए, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 12। अब देखिए माइनस है, तो -3 है, तो -3 का पावर 18 है, तो -3 कॉमन ले लिए, ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या रखेंगे, 18 plus 12, तो कितना हो जाएगा, 18 plus 12, -3 लिखेंगे, इसका पावर कितना हो जाएगा, 30, ठीक है, -3 का पावर 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 10 10 है, एक बार 10 लिखें, और 8 plus 2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 8 plus 2 कितना हो जाएगा, 10, तो 10 का पावर 10 हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बुक में लिख सकते हैं, ठीक है, 2 to the power 12 -3 to the power 30, ठीक है, 10 to the power 10, ठीक है। अब देखिए ये है आपका, जब ये रहता है आपका भाग रहता है, डिवाइड रहता है, तो 2 2 तो है ही, सिर्फ क्या करेंगे, ब्रैकेट में 15 minus 13 कर देंगे, तो कितना जाएगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 में से 13 चलेगा तो 2 होगा ना, तो 2 का पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आप 9 कॉमन ले लीजिए, 15 minus 14 तो कितना हो जाएगा, 1, तो 9 का पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पे 11 है, 11 11 लिख दिए, 6 minus 4 ब्रैकेट, पावर ही पावर से ही पावर माइनस होगा, ठीक है, तो 11 एक बार लिख दिए, और 6 से 4 चला गया, तो कितना बचेगा, 2, तो 11 का स्क्वायर, ठीक है, तो 11 का स्क्वायर लिख दिए, तो यहाँ पे हम लोग बुक में क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 का पावर 1, और यहाँ पे 11 का स्क्वायर, ठीक है। 5.6 स्वयं करो, ठीक है, खाली घरों में संख्या लिखो, वन नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कॉपी में मैं बता रही हूँ, ठीक है, 9 का स्क्वायर है, डिवाइडेड 9 का स्क्वायर है, तो इक्वल टू क्या होगा बॉक्स में, ठीक है, तो देखिए 9 का स्क्वायर मतलब क्या बोले ना, जब डिवाइड रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना, 2 minus 2 तो क्या होगा, 0 आएगा ना, तो 9 का पावर 0 आया, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, जब 9 का पावर 0 रहेगा ना, तो 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1। अब 2 नंबर क्या है आपका, 7 का क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड, क्या बॉक्स में भरेंगे कि 1 आएगा, तो मैंने क्या कहा अभी, देखिए 2 में से 2 चला गया तो 0 है, तो वैसे ही 7 का यदि हम क्यूब रखेंगे यहाँ पे, तो 7 का क्यूब में से क्यूब चला जाएगा, जैसे 7 ये 3 में से 3 चला गया, ठीक है, तो
तो क्या बचेगा, जीरो ही बचेगा। तो जब जीरो रहने से क्या होता है, वन बैठता है, ठीक है। अब यहाँ पे थ्री नंबर क्या है आपका, इलेवन का पावर जीरो है, तो इलेवन का पावर जीरो है मतलब क्या, जीरो मतलब वन, ठीक है। तो वन लिखेंगे बॉक्स में, क्या लिखेंगे, वन, ठीक है। फोर नंबर क्या है आपका, वन इक्वल टू थर्टीन, यहाँ पे क्या पावर बैठाएंगे, जीरो बैठाएंगे, क्योंकि जीरो का पावर थर्टीन का, देखिए थर्टीन का पावर ये जीरो रहेगा, ठीक है, तो वन होता है। फाइव नंबर क्या है आपका, वन इक्वल टू माइनस थर्टीन, क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जीरो, क्योंकि जीरो रहने से क्या होता है आपका, वन होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बैठाएंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया था, वन, ठीक है, वन लिखे थे ना, तो यहाँ बॉक्स में वन लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या लिखे थे, सेवन का क्यू, क्यू भी लिखेंगे। फिर इलेवन का पावर जीरो है तो क्या होगा, वन होगा, पावर जीरो रहने से वन आता है, ठीक है। फिर वन इक्वल टू थर्टीन का क्या पावर लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, तो वन ही आता है, क्योंकि थर्टीन का पावर जीरो रहने से क्या होगा, वन, ठीक है। और वन इक्वल टू माइनस थर्टीन का पावर क्या होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए, ठीक है, तो जीरो लिखेंगे, ठीक है। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।